तो जोमेटो और स्विगी का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खाना मंगाने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब तक मैं आप लोगों ने कितने का खाना मंगाया, आप लोग इसे कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब कि पूरा प्राइस हिस्ट्री आपको शो कर देगा कि आप लोगों ने अब तक कितना खर्च किया है जोमेटो ऐप में और कितना आप लोगों ने खर्च किया है स्विगी ऐप में। तो इसके हेल्प से आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग जोमेटो और स्विगी पे कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, मंथली हो गया या ईयरली आप लोगों ने अब तक कितना खर्च किया, 10,000 या 20,000। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले zomato.com को ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप में और फिर आपको यहाँ से एक एक्सटेंशन को ऐड करना होगा। तो एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए आपको जाना है यहाँ से ऐप्स में, देन यहाँ से वेब स्टोर में जाना है। आपको इतना पता होगा कि एक्सटेंशन कैसे ऐड होता है और फिर आपको यहाँ से सर्च करना है जोमेटो स्पेंडिंग कैलकुलेटर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जोमेटो स्पेंडिंग कैलकुलेटर आ चुका है, मुझे इस पर क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं इस एक्सटेंशन को आपको क्रोम में ऐड कर लेना है। तो एक सिंगल क्लिक में ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है कन्फर्म करने के लिए। फिर आप लोग देख सकते हैं ये एक्सटेंशन हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद सिंपली आपको आना है zomato.com की वेबसाइट पे और आपको अपना प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना है। आप लोगों को सिंपली अपना नंबर एंटर करना है, आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी एंटर करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और फिर आप लोग देख सकते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड ये फेच हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड यहाँ पे शो कर चुका है 1279 रुपीज़ है, मतलब कि 69 रुपया है। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आप लोग भी ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने अब तक जोमेटो पर कितना खर्च किया है। तो ये रहा कि आप लोग जोमेटो में कैसे अपना स्पेंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप लोगों ने अपने इस साल में कितना खर्च किया इस मंथ में और पूरा ऑल द टाइम आप लोगों ने कितना खर्च किया। तो अब आते हैं स्विगी पे और देखते हैं कि हम लोग इसमें अपना स्पेंडिंग को कैसे चेक कर सकते हैं कि अब तक में हम लोगों ने इस पे कितना खर्च किया है। आपको साइन इन पे क्लिक करना है और अपने नंबर देके यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ से पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसमें भी आपको सिंपली ओटीपी देके आपको लॉगिन कर लेना है। फिर आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल यहाँ से ओपन हो चुका है। मुझे यहाँ से अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और मेरा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ऑर्डर शो कर रहे हैं और यहाँ पे 5 ऑर्डर्स। तो आपको यहाँ से सबसे नीचे आना है, और अगर ये ऑर्डर लोड नहीं हुआ तो आपको 100 ऑर्डर्स पे क्लिक करके आपको लोड करते जाना है, मतलब कि जितना लोड होते जाएगा मतलब कि पूरे लास्ट तक जाना है। तो शायद मेरा 1st ऑर्डर 2020 में हुआ था तो इतने ऑर्डर्स ही शो कर रहे हैं। फिर आपको पूरे नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। और इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जाना है कंसोल में और आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद ये सारा कुछ हट जाएगा। तो इस ये पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा और आपको यहाँ पे ये कोड मिल जाएगा। आपको सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लाके इस कोड को पेस्ट कर देना है। और फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो कर रहा है, मुझे बस यहाँ से एक बार इंटर करना है और आप लोग देख सकते हैं टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्विगी सो फार इज 1065 रुपीज़। तो 1065 रुपीज़ मैंने स्विगी पे खर्च किए हैं अब तक। तो आप लोग भी ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने अपने हिस्ट्री में, अपने इतिहास में, मतलब कि अपने जीवन काल में आप लोगों ने कितना रुपए खर्च किए हैं स्विगी और जोमेटो पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।